अमेरिका में रिसर्च हुई कि ऐसा हो सकता है क्या कि जैसा हम सोचते हैं बॉडी वैसे केमिकल बनाती है। कैसे रिसर्च हुई? उन्होंने एक ऐसे अपराधी को पकड़ा जिसने बहुत सारे खून करे होंगे। उस अपराधी के सामने, उसे जब जज के सामने लाया गया तो जज ने कहा इसने बहुत सारे लोगों का गुनाहगार है, बहुत खतरनाक अपराध किए हैं, इसको ऐसा करेंगे एक सांप लेकर आओ जो जंगल से आएगा और उसे डंक मारेगा और ये जहर से मर जाएगा उसको। तो उसको बोला 21 दिन बाद हम ये प्रोसेस करेंगे। उसको बंद कमरे में बंद कर दिया, एक जेल में बंद कर दिया। उसको डेली आकर एक जेलर बोलता था, अब वो पुलिस वाले चले गए हैं, जंगल में घूमने गए हैं और वो खतरनाक वाला वो कोबरा ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए, सांप ढूंढ रहे हैं और जो जितना खतरनाक होगा वो लेकर आएंगे। तो रोज़ एक आके वो कहानी सुना देता था। उसके दिमाग में आता था मैं मरने वाला हूँ और मुझे ना सांप डंक मारेगा और फिर मेरे मुँह से झाग निकलना शुरू हो जाएंगे और मैं तो मर जाऊँगा ऐसे। तो उसे रोज़ करते करते जब एक दिन बचा उसके, तो आज तेरा तो काम होने वाला है। अभी वो लेकर आ गए हैं पुलिस स्टेशन में ये वो सांप, और वो एक डलिया में रख दिया है। अब 12 बजे आज तुझे वो डंक मारेगा। और सब लाइट वाइट सब बंद कर दी गई, उसे बुलाया बोले अब सांप आएगा तुझे डंक मारेगा। तो लाइट वाइट सब बंद कर एक व्यक्ति उसको सुई चुबा देता है, उसे सुई चुबा देता है और वो सुई जैसे ही चुभती है वो चिल्लाने लग जाते हैं मुझे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। और 5 मिनट के बाद उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाते हैं, 5 मिनट के बाद उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। और रिपोर्ट जब चेक करी जाती है, उसके पोस्टमार्टम करा जाता है, तो उसे बोला जाता है कि ये एक सांप के काटने से मरा है, ये व्यक्ति सुई के चुबाने से नहीं मरा है। तो यानी कि उसने अपने दिमाग में इतना बिठा लिया कि एक सांप आएगा मुझे डंक मारेगा और 2 मिनट बाद मेरे मुँह से झाग निकलेंगे और मैं मर जाऊँगा। और सेम यही कहानी होती है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे शरीर के अंदर केमिकल चेंज होती है। जैसे अगर मैं आज बोलूं कि जिन जिन को ना हाथों में झंझनाहट होती है, मतलब विटामिन B12 के सिम्टम्स क्या हैं, आपके हाथों में झंझनाहट होती होगी, उंगलियां काली काली सी नजर आती है, आपकी जीभ के ऊपर काले काले डॉट आते रहेंगे, सब अपने आप को एनालाइज करते हैं, यार ये तो मेरे साथ भी होता है, मैं जब बैठता हूँ तो आलती पलती मार के बैठता हूँ तो मेरे साथ भी होता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हम उसके ऑटोमेटिकली अपना डायग्नोस कर रहे हैं। और वो एक्चुअल में अगर आपका विटामिन B12 चेक करा लिया जाए तो आपका कम निकलेगा ही निकलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बॉडी के अंदर केमिकल बनते हैं। और ये कैंसर के ऊपर तो बहुत काम किया जाता है, कैंसर के पेशेंट को उसमें बातचीत करी जाती है उनके साथ में, उनसे कहते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ऐसे 100 पेशेंट पर रिसर्च करी गई, 10 ऐसे पेशेंट अलग अलग डॉक्टर्स को दिया गया। तो उनको कहा कि अब आपकी, एक डॉक्टर कहता था कि अब आपके पास केवल 1 महीना रह गया है, अब आप जो मर्जी करना चाहें कर लीजिए क्योंकि 10 दिन बाद 1 महीने बाद आपकी डेथ होने वाली है। एक को कहते कह रहे थे, स्टेज सबकी एक ही है कि अब आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है, अब आप कैंसर ठीक हो रहे हैं, अब आपके पास तो बहुत, मतलब पहले 1 महीने का टाइम था, अब 2 महीने रह गए। तो ऐसे रिसर्च करी गई और जब 10 दिन रह गए उन रिसर्च पर, तो उनका कि अब 10 दिन के बाद आपकी डेथ होने वाली है, अब आप अपनी वसीयत वगैरह लिखना चाहो लिख दो। और उनसे कहा कि अब आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, 10% ही रह गया है और 10% के बाद में तो आप नॉर्मल हो जाएंगे, हम दोबारा से चेक करेंगे 10 दिन बाद। और 10 दिन बाद देखा तो वो 10 दिन बाद मर गया और वो 10 दिन बाद ठीक हो गया, क्योंकि उसको इतना डरा दिया कि वो 10 दिन बाद मरेगा ही मरेगा। तो उसके अंदर वैसे ही उस कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ा कि वो 10 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। और वो जो वो वाले लोग थे कि जिनको कहा कि आप तो ठीक हो रहे हैं, 10 दिन बाद हम पैट स्कैन करेंगे तो बिल्कुल 100% ठीक होगा, और कैंसर 100% ठीक हुआ। क्योंकि उन्होंने अपने, उनको मिलाया नहीं, उनको अलग अलग स्टडी करी। तो ये है कि हम जैसे ऑटो सजेशंस कहते हैं इसको, ऑटो सजेशंस का मतलब हम खुद को क्या सुझाव दे रहे हैं, हम खुद को क्या सुझाव दे रहे हैं। जैसे एक एक अगर किसी बाबा पर आपका विश्वास है तो कुछ नहीं कर रहा, केवल नीली पीली गोली दे रहा है आपको, है ना, नीली पीली पुड़िया में रखता है, चूरन के साथ मिलाकर दे देता है कि आप इसे सुबह दोपहर शाम खा लेना। आपको किसी ने कहा कि इस बाबा की बहुत अच्छी दवाई है और ठीक हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, तो 100% आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम जाग जाता है। तो मुझसे बहुत सारे लोग कहते थे, सर जब मैं न्यूरोथेरेपी शुरू में करता था
कि आप दवाई तो देते नहीं, ठीक कैसे हो जाएंगे, दवाई तो देते नहीं, ठीक कैसे हो जाती। तो एक पेशेंट मेरे साथ बैठा है, डॉक्टर साहब ऐसा करो आपने नीली पीली गोलियां रख लो अपने पास में जो मीठी मीठी सी होती हैं, उनको बोला करो कि ये जो दवाई दे रहा हूँ ना इसी से आपके पेन किलर पेन ठीक हो जाएगा, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, बाकी आप ट्रीटमेंट तो दो अपना। और ऐसा रिसर्च करी कि हमने अगर वो नीली पीली गोलियां जो मिलती ना जेम्स की, उनको खोल के एक डिब्बे में रख ली, थी वो जेम्स ही, बस हमने उसमें क्या करा थोड़ा सा ऊपर से वो होम्योपैथी की मेडिसिन आती है जिसमें कुछ कलर वलर नहीं है, केवल पानी से टपका दिया उसके ऊपर कि हमने आप इसमें मेडिसिन मिला दिया, आपको सुबह दोपहर शाम खानी है। और वो तीन दिन बाद डॉक्टर साहब कल की वाली मेडिसिन तो बहुत अच्छी थी, मेरे तो घुटने में दर्द ही नहीं हुआ, आपने तो बहुत बढ़िया करा, ये तो ये वाली मेडिसिन जरूर दिया करो। क्या हुआ, केवल आपके अंदर के ऑटो सजेशंस की हमने आपके माइंड मेकअप करा कि यही मेडिसिन आपको ठीक करेगी, और तो कोई कुछ कर ही नहीं सकती। तो आपके बॉडी के अंदर भी चेंजेस होते हैं, और आपने ठान लिया कि यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो बीमार हूँ, क्या करूँगा, मैं तो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ, भगवान मुझे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरी परीक्षा लेता रहता है, मुझे इतनी कठिनाइयाँ देता है, तो वो आदमी बेचारा निराश होकर एक दिन सुसाइड ही कर लेगा, है ना। कोई बात नहीं, कठिनाइयाँ आई हैं, सामने करूँगा, इनसे भी आगे निकलेंगे। हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, जीरो से शुरुआत करी थी, दोबारा से करेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा उस लेवल पे लेके जाएंगे और वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि अपने ऑटो सजेशंस हैं और उसी के आधार पर आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, वैसे हार्मोन्स बनाती है, वैसे एंजाइम्स बनाती है, वैसे ही केमिकल्स बनाती है, और आप जैसा चाहते हैं वैसा बन जाती है। एक थेरेपी काम करती है, इसी को हम ऑटो सजेशन थेरेपी भी बोलते हैं, कि आप खुद अपनी बीमारी का इलाज खुद करते हैं, खुद करते हैं, तो उससे इसी का इफेक्ट नज़र आता है। तो ये स्टडी है कि हम जैसा सोचेंगे अपने लिए वैसा ही हम होते चले जाते हैं।